So we'll continue with where we stopped in the last class. So a sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 50 kg with a force of 0.02 gram weight. So ये जो है स्फीयर एक 40 केजी का है और दूसरा स्फीयर 50 केजी का है. सो लेट्स से एम वन इज इक्वल टू 40 केजी एंड एम टू इज इक्वल टू 50 केजी. ओके, दे आर अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ इज इक्वल टू 0.02 ग्राम वेट. इसको केजी वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.02 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी वेट. न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 0.02 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 9.8 न्यूटन. सो एफ इज इक्वल टू 9.8 × 19.6, 1.96 × 10⁻⁴ न्यूटन हो गया. ये फोर्स का वैल्यू हो गया. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें आर का वैल्यू निकालना है. तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. सो जो आर स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एफ और R is equal to root under G M1 M2 divided by F. So this is root under G का वैल्यू है हमारा 6.67 × 10⁻¹. M1 M2 हमारा 40 × 50 हो गया, divided by force F that is 1.96 × 10⁻⁴. ये कैलकुलेट करेंगे सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10⁻¹ इंटू 40 × 50 डिवाइडेड बाय 1.96 × 10⁻⁴. So this is 2.6 × 10⁻². So 2.6 × 10⁻², meter or 2.6 centimeters. So this is the distance between it. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next कह रहा है the centers of two identical spheres are 50 centimeter apart. Okay. So there are two identical spheres. This is 50 centimeter apart. So R is equal to 0.5 meter. If the an identical sphere, मतलब इसका अगर mass m है तो इसका भी mass m. So centers of two identical spheres are 50 centimeter apart. If the gravitational force between the spheres be 4 newton, right? So इन दोनों sphere के बीच में जो gravitational force है, this is equal to 4 newton. So the gravitational force is equal to 4 newton. Find the mass of each sphere. हम लोगों को मास निकालना है यहाँ पे.
सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी एम वन एम टू तो एम इंटू एम जी एम स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. हमें एम निकालना है. सो मास एम इज इक्वल टू एफ जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी राइट का स्क्वायर रूट. सो मास एम इज इक्वल टू रूट अंडर फोर्स है 4 न्यूटन डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर हो गया ठीक है डिवाइडेड बाय जी 6.67 इंटू 10 to the power -11. सो दिस विल गिव अस m इज इक्वल टू देखो 0.25 इंटू 4 ये तो कैंसिल हो गया ऐसे ही 1 हो गया. सो दिस इज 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी हैव 10 to the power 11 divided by 6.67. So 1.22 into 10 to the power 5. Mass ho jayega 1.22 into 10 to the power 5 kg. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question है, mass of the planet Jupiter is 1.9 into 10 to the power 27 kg. है ना? Jupiter का mass दे रखा है, sun का mass दे रखा है. Mean distance between the Jupiter and the sun is also given. Calculate the gravitational force which the sun exerts on the Jupiter. Assuming that Jupiter moves in a circular orbit around the sun, calculate the speed of the Jupiter, where g is given as this. So force of gravitation is g m1 m2 upon r square. Values put karenge, g ka value 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 m2. M1 is 1.9 into 10 to the power 27 into 1.99 into 10 to the power 30 divided by r square. So this is 7.8 into 10 to the power 11 iska whole square. So f nikalte hain hum log pehle. So we'll have 6.67 into 1.9 into 1.99 divided by 7.8 square. 0.4145 into 10 to the power 57 or 22. So 57 में से 22 गया, 35 बचा. ठीक है. 35 minus 11 is 24. So 10 to the power 24 or 4.145 into 10 to the power 23. ये force हो गया. अब जब फोर्स निकल गया, अब हमें निकालना है कि द स्पीड ऑफ द जुपिटर सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है. तो देखो यहाँ पे मान लो सन है और यहाँ पे जुपिटर है, तो जो इसको फोर्स से खींचेगा दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. जो सेंट्रिपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है. सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो मान लो ये जो जुपिटर, इसका मास, सन का मास m1 है और इसका मास m2 है. तो m2 और m2 कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम वन अपॉन आर हो गया.
और v इज इक्वल टू रूट अंडर 6.67 × 10⁻¹⁻ इंटू मास ऑफ सन जो दे रखा है दिस इज 1.99 × 10⁻³० डिवाइडेड बाय रेडियस इज 7.8 × 10⁻¹⁻ सो v इज इक्वल टू 30 − 22 करेंगे 8 हो जाएगा 10⁻⁸ और 6.67 × 1.99 डिवाइडेड बाय 7.8 सो दिस इज 1.7 × 10⁸ का स्क्वायर रूट सो दिस इज 1.3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड क्लियर बच्चों यस लिख लिया सभी ने यस सर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैंगो ऑफ मास 250 grams फॉल फ्रॉम ए ट्री व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो towards the earth. Also calculate the acceleration of earth towards the mango. So, देखो so let's say ये एक tree से एक mango falls down on earth. Right? Now, इसका जो mass है small m is equal to 250 grams 0.25 kg हो गया ठीक है वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टूवर्ड्स द अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ द मैंगो टूवर्ड्स द अर्थ निकालना है पहले तो फोर्स जो इसको अट्रैक्ट करेगा अर्थ एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ओके सो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसी को कंसिडर करेंगे बिकॉज ट्री का जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन है तो मास इनटू एक्सेलरेशन ए इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर एम कैंसिल हो गया तो जी एम बाय आर स्क्वायर हो गया सो जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वही आ जाएगा अभी तो 6.67 × 10⁻¹⁻ मास कैपिटल एम जो दे रखा है हमारा 5.983 × 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाय 6.378 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं 6.67 × 5.893 डिवाइडेड बाय 6.378² So this is
So this is 9.66 into 10 to the power 24, 12, 12 minus 1, 110 to the power. So 9.66 meter per second square acceleration. अब इसके बाद पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स मैंगो. तो मान लो ए डैश एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ए डैश इज इक्वल टू फोर्स जो अर्थ को खींच रहे हैं. सो दिस इज कैपिटल एम इंटू ए डैश इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. कैपिटल एम कैंसिल हो गया. ए डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. मास इज मैंगो का 0.25 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब 6.378 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6.67 into 0.25 divided by 6.378. So this is 4.09 मतलब 4.1 into 10 to the power 10 to the power minus 25 meter per second square. ये acceleration of earth towards the mango. Clear bachcho? Yes sir. लिख लिया बच्चों? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट अ बॉडी बी अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द अर्थ. मान लीजिए यहां पे ये सन है और यहां कहीं अर्थ है. So how far from the earth must a body be? Earth से मान लीजिए इसका distance x है, एक object है उसका, ठीक है? Along a line joining the sun to the earth, so that the resultant gravitational pull on the body due to earth and sun is zero. ये मान लीजिए इसका mass m है, right? तो ये जितने force से इसको इधर खींचेगा, ये उतने ही force से इधर, मतलब force of attraction by sun is equal to force of attraction by earth. हम लोगों को ये distance x निकालना. तो ये distance x है, तो ये जो distance होगा इधर, this is equal to r minus x, where r is the total distance between sun and earth, which is given here. ठीक है? Distance between sun and earth is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer. So अभी force of attraction due to sun is equal to force of attraction due to earth. Now force of attraction due to sun अगर हम लोग देखेंगे, so this is g into mass of sun into mass of this object divided by r minus x का whole square is equal to g into mass of earth into small m
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जी और जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, मास ऑफ सन कह रहा है 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ अर्थ है, मतलब 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू मास ऑफ अर्थ हो जाएगा मास ऑफ सन, डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब दिस विल गिव द वैल्यू एज एक्स स्क्वायर इंटू 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो, x इंटू 3.25 इंटू 10 टू द पावर 5 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस ऑफ x। सो दिस इज x इंटू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3.25 इंटू 10 टू द पावर 570। So x into 570, 1.5 into 10 to the power 11 minus x, 571x, 1.5 into 10 to the power 11. So x is equal to 1.5 into 10 to the power 11 by 571. Into 10 to the power 11 minus 3, 8. So 2.62 into 10 to the power 8. ये distance हो गया, जिस distance पे, ठीक है, meter. Kilometer में करोगे तो 2.62 into 10 to the power 5 kilometer. लिख लिया बच्चों? यस सर। ये सब क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जब कूलम्स लॉ करेंगे वहां पे भी आप देखिएगा। तो इसको जो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे फोकस इसलिए ज्यादा बना के रखना है क्योंकि अभी 11th क्लास में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट यही सेम कॉन्सेप्ट हम 12th क्लास में कूलम्स लॉ जब चार्जेस का के वजह से जो फोर्सेस है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ सेम चीजें आप देखोगे कि पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा अगर अभी अच्छे से समझ जाएंगे। देयर आर थ्री इक्वल मासेस ऑफ एम के जी ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे तीन इक्वल मासेस है वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तीनों का मास एम। Now, what is the force acting on a mass of 2m placed at a centroid G? यहाँ पे एक हमने फोर्स, एक मास रख दिया 2m. इस पे फोर्स निकालना है, which is placed at the centroid G of the triangle.
What is the force if the mass at the vertex A is doubled? ठीक है, तो पहले तो first part निकालते हैं, हम लोग को इसका force निकालना है, right? तो आप ये देखिए कि इसके वजह से यहाँ पे B वाले के वजह से एक force होगा इस direction में, तो this is force, sorry, because ये gravitational force है इस direction में, sorry. So this is F due to B. एक जो C के वजह से जो फोर्स होगा attractive फोर्स वो इधर होगा FC, और A के वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा FA. अब ये तीनों जो हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री. तो इसको तो खैर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, निकाल के भी देखेंगे. ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि अगर तीन इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाता है तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों? इफ थ्री इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज थ्री? जीरो होगा, है ना? जीरो इसलिए होगा क्योंकि लेट्स सपोज ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, ये भी एफ है, इनके बीच में जो एंगल है ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120. इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है? इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो निकालने के लिए जो बी और सी वाले का रिजल्टेंट एफ बी सी इज इक्वल टू एफ वन एफ बी स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, टू इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री का रूट अंडर. ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट. अब ये देखो यहां पे सो दिस इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ, so this will be 2f square minus of f square, ये 2 और 2 cancel हो गया, so ये हो गया हमारा root under f square, मतलब f हो जाएगा. तो एक force exactly यहाँ पे इसके opposite आ गया इस force f के, ये भी resultant f है, तो f और f एक दूसरे को cancel कर देगा, f resultant क्या हो जाएगा? 0. clear बच्चों? बिकॉज ये दोनों इक्वल फोर्सेस है तो ये जो फोर्स होगा ये इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, एग्जैक्टली इसके बीच में होगा, राइट? तो ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर. ये क्लियर है सभी को? फर्स्ट पार्ट? यस सर. सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड. ये वाला मास को डबल कर दिया, ये मास को डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो गया? डबल हो गया. मतलब ये दोनों फोर्स जो एफ है और यहां पे जो इसका जो फोर्स है, मतलब ये मान लो एफ वन है और ये दोनों जो है एफ टू और एफ टू, ठीक है, एफ टू और एफ टू का जो रिजल्टेंट होगा वो भी F2 ही होगा क्योंकि ये सब 120 डिग्री जैसे हम लोगों ने निकाला है. सो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? F1 माइनस F2. F1 इसके मास को हमने क्या किया? 2m कर दिया, ट्वाइस कर दिया. एट द वर्टेक्स A इज डबल्ड, तो इसका वर्टेक्स A अगर हम लोगों ने डबल कर दिया तो F1 माइनस F2, F1 इज 2m इंटू 2m, तो 4m स्क्वायर जी एम वन एम टू, राइट, बाय आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा.
ये जितना डिस्टेंस यहाँ पे है एक्स, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा एक्स और उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा एक्स। तो ये ए जी बी जी सी जी ऐसे भी 1 मीटर दे रखा है, तो 1 स्क्वायर ले लो। माइनस ऑफ एफ टू जो है, ठीक है, जो एफ टू का वैल्यू है दिस इज जी इंटू एम इंटू टू एम, तो मतलब जी इंटू टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक, अब 4gm² माइनस 2gm² ये हो जाएगा 2gm², ये नेट वैल्यू हो जाएगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो वैल्यू है फोर्स का 2gm² के बराबर, और डायरेक्शन क्या होगा अलोंग ga। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now, three identical bodies, each of mass m, are located at the vertices of an equilateral triangle with side r. So, हमारे पास तीन identical bodies हैं. So, all these bodies are located at the vertices of an equilateral triangle with radius with side r. ये भी r, ये भी r, इन सब का masses सभी का m, m और m है. At what speed must they move if they all revolve under the influence of one another's gravitation in a circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? तो कह रहा है कि ये कह रहा है थ्री आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ये तीनों बॉडीज ईच ऑफ मास एम आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एट व्हाट स्पीड मस्ट दे मूव इफ दे ऑल रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर्स ग्रेविटेशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल व्हाइल स्टिल प्रिजर्विंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोग एक एक करके ना फोर्स निकाल लेते हैं एक दूसरे के बीच का। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स होगा वो इसके तरफ से इस डायरेक्शन में और इसके तरफ से इस डायरेक्शन में, राइट? तो ये जो फोर्स F1 है और लेट्स से ये फोर्स F2 है, तो जो F1 फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर या जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया। दिस इज अलोंग, मान लीजिए ये ए बी, this is a b c, तो this is along b a, okay? उसके बाद next है F2, ये भी होगा gm square by r square, this will be along b c, right? इनका जो resultant होगा ये दोनों के बीच में, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो जो एफ रिजल्टेंट होगा एफ इज इक्वल टू रूट अंडर F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो F1² प्लस F2² प्लस F1F2, मतलब ये भी, ये तीनों फोर्स तो बराबर ही है दोनों फोर्स, तो ये 3F² हो जाएगा, मतलब रूट 3F हो जाएगा। सो दिस इज रूट 3F1 और रूट 3 into gm² / r², ये हमारा हो जाएगा अलोंग इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, जो कि इसका मीडियन भी है। तो ए बी सी मान लो डी है अलोंग बी डी, सो दिस इज इक्वल, दिस इज
L on BD, right? Now, यहाँ पे तो ये एक फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में. दूसरा फोर्स जो C पे लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो A पे लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. और ये जो तीनों फोर्स है ना, सो दिस इज इक्वल टू, सो आपको निकालने इसमें बोला है, or at what speed must they move if they all revolve under the influence of one another's gravitation in a circular orbit. So पहले ये जो ये point अगर B मान O मानते हैं तो ये जो BO है this is 2 by 3 of BD. So 2 by 3 ये R है, ये R by 2 है, ये 90 degree हो जाएगा. So this is 2 by 3 of root under R square minus R square by 4. So 3R square by 4 root 3R by 2 हो गया. 2 by 3 into root 3R by 2. So ये R by root 3 हो जाएगा BO का वैल्यू, ठीक है. अब कह रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट दे मूव इफ दे ऑल रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर्स ग्रेविटेशन इन अ सर्कल सर्कुलर ऑर्बिट सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल. तो मतलब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में इसको मूव करना है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल. तो ये जो फोर्सेस हैं, ये तीनों फोर्सेस इस तीनों बॉडी को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है एफ विल बी इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड. सो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है. सो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो बी जो हमारा रेडियस है यहाँ पे सॉरी ये जो रेडियस होगा ये कैपिटल आर ले लो. तो यहाँ पे ये इसका रेडियस बी ओ के बराबर, तो बी ओ कितना है आर बाय रूट थ्री हम लोगों ने निकाल रखा है. तो बी ओ इज कैपिटल आर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो एम का वैल्यू यहाँ पे ये कैंसिल होके एम बचा. सो दिस इज वी स्क्वायर बाय R by root 3 is equal to root 3 gm upon R square. ये R को cancel करेंगे, एक R बचा, हम लोगों को V का value निकालें. तो V square is equal to root 3 gm by root 3 R. Root 3 cancel हो गया. So V square is equal to GM upon R, और V का वैल्यू है root under GM upon R. So this is the value of the velocity with which each of these particle needs to move in a circular orbit so that it keeps on circumscribing that triangle and always has that still preserving the equilateral triangle wala shape. It will, you know, always preserve it and keep on moving in circular orbit. Clear? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? So BO equal to R upon root 3, like ये पूरा process एक बार बता सकते हैं. हाँ, equilateral triangle है, let's say, हम लोगों को यहाँ पे इसका जो सर्कम रेडियस होता है उसका वैल्यू निकालना है. मतलब ये इसका वैल्यू निकालना है. इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं लेट्स से यहाँ तक. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो जो एंगल बाइसेक्टर है वही मीडियन भी होगा और वही एल्टीट्यूड भी होगा. तो
तो यहाँ पर से इसको मीडियन को एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री पे भी होगा और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये डिस्टेंस आर है तो ये बिकॉज मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, आर बाय टू हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हम लोग का ये पूरा परपेंडिकुलर जो होगा मतलब बी डी, ये बी हो गया और ये डी हो गया, तो बी डी अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाय फोर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विल गिव यू परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर, सो इससे आ जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय फोर है और फोर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब थ्री आर स्क्वायर बाय फोर हो गया, और बी डी का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये रूट थ्री आर बाय टू हो गया, ठीक है। ये रूट थ्री आर बाय टू बी डी का वैल्यू, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, बी ओ का, और हमें पता है कि सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो बिकॉज ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये जो बी ओ होगा, बी ओ होगा दिस विल बी 2/3 ऑफ बी डी, क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, दैट मीन्स बी ओ अपॉन OD, this is equal to 2/1, clear है? तो इससे BO 2/3 of BD हो जाएगा, तो 2/3 of BD में root 3 R by 2 ऐसे put कर दिया, यहाँ पे जो किया है, और उससे हम लोग को R by root 3 निकल के आ गया, clear है? Yes. और किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट हाँ अच्छा क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने? यस सर। सबको समझ भी आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो जो न्यूमेरिकल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक इतना था, अब हम लोग ग्रेविटी वाला पोर्शन करेंगे। ग्रेविटी वाला पोर्शन मतलब जहां पे अर्थ का अट्रैक्शन का बात होता है, ठीक है। सो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जहां पे एक बॉडी जो है वो अर्थ है, तो अर्थ के आसपास कोई अगर दूसरा बॉडी है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के वजह से लगता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो ग्रेविटी इज नियरली अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है ना, दो पेन्स के बीच में हो सकता है, दो फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है ना। तो ग्रेविटेशन का स्पेशल केस ग्रेविटी है जहां पे वन ऑफ द ऑब्जेक्ट which is fixed, that is earth. तो earth और किसी और object के बीच में जो force of attraction होगा उसको gravity कहते हैं। So gravity is nearly a special case of gravitation and is also called earth's gravitational pull. Now force of gravity acting on a body is the measure of weight of the body. ठीक है, जो force of gravity है किसी object पे जो लग रहा है that is measure of the weight of the body. Thus, weight of the body is defined as the force of attraction exerted by the earth on the body towards the center. Okay. So, force of gravity kya ho gaya? Jo weight of the object ke barabar, matlab m into g jo karte hain, wo force of gravity hi hai. Jis force se kisi object ko earth apni taraf pull kar raha hai. That is the weight of the body. Thus, weight of a body is defined as force of attraction exerted by the earth on the body towards its center. So if m is the mass of the body placed on the surface of earth where acceleration due to gravity is small g, then gravity pull is weight of the body that is m into g. Now difference between gravitation and gravity. Gravity is the
ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, राइट. बट ग्रेविटी क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ. सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ए ऑफ मास एम वन ड्यू टू बॉडी बी ऑफ मास एम टू प्लेस एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इज एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम इज एफ इज इक्वल टू एम जी वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी सीधे एम जी कर देंगे वहां पे, मतलब ऑब्वियसली जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर करते हैं तो ये जी एम ई बाय आर स्क्वायर हम लोग देखेंगे ये स्मॉल जी के बराबर होता है तो इसको डायरेक्टली हम एम इंटू जी लिख सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज अलोंग ए बी. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी is along the line joining the body and the center of the earth and is directed towards the center of the earth. कोई भी दो object के बीच में gravitational force निकालना उनके center को join कर दो तो A पे जो B के वजह से gravitational force है that is towards B और gravity जो force है that will always be towards the center of the earth. कोई एक object का center of earth के तरफ जो force लग रहा है उसको हम लोग force of gravity कहते हैं. Now the force of gravitation between two bodies can be zero if the separation between two bodies becomes infinite. So jo force of gravitation hai do object ke beech mein zero kab hoga jab surface jo separation hai unke beech mein infinite ho. Force of gravity kab zero hoga jab center of earth pe object hai, on a body is zero at the center of the earth. Theek hai. So force of gravity is zero at the center of earth. And force of gravitation is zero at infinite distance when the distance between the two bodies is infinite. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here. इसके बाद हम लोग अब जो है acceleration due to gravity वाला portion और जो जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू जो वेरिएशंस ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद रेस्पेक्ट टू हाइट विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ एंड विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ तीन चीज पे डिपेंड करता है स्मॉल जी का वैल्यू, है ना. तो वो जो तीन चीज पे डिपेंड करता है कैसे डिपेंड करता है वो सब हम लोग अगली क्लास में करेंगे. ठीक है बच्चों. Okay. ठीक है. सो वील स्टॉप हियर. टुमारो यू डोंट हैव ए